प्रधान पद प्रत्याशी सत्येंद्र प्रताप सिंह ने कहा, ग्रामवासियों के साथ मिलकर करेंगे हर समस्या का समाधान। गंगौली के प्रधान पद प्रत्याशी ने पूर्व प्रधान के पिछले 5 वर्षों में प्रधान की निंदा करते हुए प्रत्याशी सत्येंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि आने वाले समय में अगर जनता मुझे चुनेगी तो मैं अपने ग्रामवासियों की हर एक समस्या का समाधान करूंगा। प्रत्याशी सत्येंद्र कुमार ने कहा कि पूर्व प्रधान जो रह चुके हैं यहाँ पर ना तो किसी की लैटरिन है और ना ही किसी की कॉलोनियां आई हैं। सत्येंद्र प्रताप सिंह का कहना कि सरकारी तालाब के लिए कई बार तालाब के लिए सर्वे हुआ और उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, तालाब आज ही ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसीलिए ग्रामवासियों को वहां से आने जाने में बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। सत्येंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि जो भी करूंगा अपने ग्राम समाज के हित के लिए कार्य करूंगा, उनको सारी सुविधाएं सरकार से मुहैया कराऊंगा, रोड सड़क बिजली पानी लैटरिन आवाज जैसी समस्याओं को खत्म करूंगा और ग्राम समाज में अशिक्षित लोगों के लिए शिक्षा के उच्च प्रबंध करेंगे। सत्येंद्र प्रताप सिंह जी, कहाँ ये आपका जो है ग्राम सभा कौन सी लगती है? ग्राम सभा गंगौली लगती है जी। किस पद से आप जो है? प्रधान पद से। जनता के लिए क्या कार्य करने के लिए आपने जो है ये मुद्दा, मतलब प्रधान पद के लिए जो आप जो है वो जनता के सबसे मुख्य कार्य ये है कि जो नहीं हुआ अभी तक जी, जिस पे ध्यान नहीं दिएगा, पांच ये जो मतलब जो रही है पंचवर्षीय पिछली, उसमें सब लोगों से पूछा जाए तो काफी लोग बहुत परेशान हैं। सब लोगों से आप जानकारी कर सकते हैं उसके बारे में, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सड़क समस्या हो, चाहे सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो हमारे यहाँ गायों का है। अगर गौशाला बनती तो सारी चीज, मतलब जो यहाँ पे फसलें नष्ट कर दे रही हैं। जी बिल्कुल जी। तो उसके लिए आपने जो है गौशाले के लिए प्रावधान रखा है अगर सप्ताह में आ रहे हैं। और एक यहाँ पे बहुत समय से बताया जा रहा है कि जैसे तालाब की समस्या है, उसके लिए आपने क्या कार्य वगैरह सोच रखा है? जी, कार्य यही है कि सबसे प्रथम कार्य रहेगा उसकी सफाई होने के बाद एक जगह पानी की समुचित व्यवस्था हो, नए सिरे से निर्माण हो, सुंदरीकरण हो, कि अगर जानवरों को भी जरूरत पड़े कि उनको अगर पानी पिलाना है तो एक समुचित व्यवस्था उनके लिए हो। ये नहीं है कि अब ऐसा पानी भरा न हो कि जो आम आदमी निकल रहा उसको भी निकलने में दिक्कत हो। जैसे यहाँ सड़कें वगैरह का निर्माण नहीं हुआ है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और क्या कार्य करेंगे जनता के लिए? जी, जनता के लिए यही कार्य है कि जो सड़कों का मुद्दा है, जो भी खराब सड़कें हैं उनको सही कराना, और जहाँ जो ग्राम समाज को और नगर से जोड़ने का जो कार्य होता है वो जो एक सड़क ही निर्माण से होता है, और जो आपका कार्यकाल जो नजर आता है, एक सड़क निर्माण हो गया, आपका जल की समस्या होगी, जैसे यहाँ पे लाइटिंग नहीं होगी, उन चीजों की समस्या क्या पूर्ति करेंगे? ये मुद्दा बहुत अच्छा है आपका कि जो ये शौचालय जो मिले हैं जी योजना के तहत, ये उन लोगों को आवंटित हुए जिनको पहले से मुहैया है। अच्छा, जरूरत उनको है, जिनको जरूरत है उनको नहीं मिले, मतलब जो निर्धन लोग हैं आज तक उनके पास में अभी तक, उनको चाहे शौचालय हो या आपका भवन निर्माण के लिए हो वो भी नहीं मिला, जो कुछ है मतलब उनको मिला है जिनके पास पहले से मुहैया है, पहले से है, और जिनके पास जो जिनके पास नहीं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है, उनको उनके लिए कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है ना। ये 5 वर्ष जो गुजरे ना इसमें कुछ हुआ ना उसके पहले हुआ। जैसे ग्राम समाज में जो है कुछ जमीन होती है जो निर्धन लोगों के लिए होती है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या गरीबों के लिए आप कार्य करेंगे? उनके लिए जो जमीनें होंगी, आवास होंगी उनके लिए? हमारा जो ये नवयुग का जो एक हुआ है, नवयुग का निर्माण करने के लिए हम लोग जो निकले हैं, उसका केवल उद्देश्य यही है कि जो निर्धन है, जिसकी स्थिति सही नहीं है, जो भी समस्याएं हैं हमारे पंचायत में, उनको नए सिरे से समुचित ढंग से उनको आगे बढ़ाना है। संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।